दोनों स्क्रीन विजिबल है। हाई विजिबिलिटी ओनली 47 45 स्टूडेंट्स आर ज्वाइन, बाकी क्यों नहीं ज्वाइन हुए? स्वास्तिक हाउ आर यू? अब ज्यादा ठीक लग रहा है पहले से? फीवर वगैरह तो नहीं आ रहा? सभी लोग ये ध्यान रखिए कि इसके साइड बाय साइड नोट्स जो भी मैं आपको चाहे पीपीटी करा रहा हूं या इसके बाद हम अपना ट्रेडिशनल अप्रोच भी आपको बताएंगे किस तरह से स्क्रीन शेयर करके और जिस तरह से हम लोग बोर्ड पे लिखते हैं उसी तरह से हम प्लेन पेपर लेकर के व्हाइट बोर्ड की तरह यूज करेंगे जहां मुझे लगेगा कि पेपर पेन की जरूरत है। तो आप सभी लोग नोट्स की कॉपी अपने साथ रखेंगे। देयर आर सम इंस्ट्रक्शन आई एम गोइंग टू डिलीवर यू बिफोर गोइंग टू स्टार्ट माय रूटीन लेक्चर। इसके पहले आप लोग की लगभग अब तक 3 क्लासेस हो चुकी हैं। शायद फर्स्ट क्लास आपकी अकाउंट की थी, करेक्ट? सेकंड क्लास कौन सी थी? मैथमेटिक्स की क्लास थी प्रशांत सर की। थर्ड क्लास है कम्युनिकेशन की। सबसे पहले जो मैं आपको बताऊंगा कि जो भी हम लोग ट्यूटोरियल शीट आपको देंगे सब्जेक्टिव वाइज जैसे हम लिखते थे वैसे ही आप लोग लिखेंगे। हर पेज पे साइन होगा, ईच एंड एवरी पेज पे रजिस्टर पे ही आपको ट्यूटोरियल शीट्स लिखनी है। क्वेश्चंस अकॉर्डिंग जो भी टीचर आपको गाइड करेंगे उतने क्वेश्चंस आपको लिखने हैं। मैं भी आज अपनी पहली ट्यूट शीट आप पे शेयर कर दूंगा, ये वीडियो लेक्चर इसके साथ ये नोट्स और साथ ही साथ ट्यूटोरियल शीट फर्स्ट भी आपके पास आ जाएगी। पैरेलली उसको सॉल्व करते जाइए, जो जो क्वेश्चन आपको क्लियर होते चले जा रहे हैं उनको लिखते रहिए। उसको एक दिन का काम मत बनाइए कि जब उसकी सबमिशन की डेट है तब हम उसको सबमिट करेंगे, बिल्कुल ऐसा मत करिए कि 10 दिन 12 दिन के बाद जो हमारी सबमिशन डेट है तो एंड ऑफ द डे जो है या उसके लास्ट बिफोर 2 डे आप थोड़ा सा उसको अपने आप को जो है एक्टिवेट मोड में ला रहे हैं और फिर उसमें वो डिले हो जाएगा। साथ ही साथ ये सभी को इंश्योर करना है कि हर पेज पे साइन होगा, पीडीएफ पूरा बनेगा, पीडीएफ रीडेबल होना चाहिए जब भी हम लोग ऑफलाइन मोड में मिलेंगे, ठीक है? अगर कंडीशन जल्दी सही हो जाएगी तो हम लोग जल्दी मिलेंगे, तो उस केस में आपको ये ट्यूटोरियल शीट्स सबमिट करनी होगी। सेम यही लैब असाइनमेंट में भी करना है, लैब परफॉर्म करेंगे, लैब का वाइवा उसी दिन होगा। अब कोई भी वाइवा का एक्स्ट्रा शेड्यूल नहीं बनेगा कंपेरिजन टू फर्स्ट सेमेस्टर जो आपकी लैब हुई थी कि 3 लैब करने के बाद फिर हमने एक लैब का सेशन रखा था, नहीं वो नहीं होगा, वो नहीं होगा। और उसके बाद
आप जो है उसी दिन जब लैब होगी उसी के बीच में ही आपके जो भी सब्जेक्ट टीचर होंगे वो आपका वाइवा भी कंडक्ट कराएंगे। फाइल वैसे ही मेंटेन करके रखनी है जो हमने सबको फॉर्मेट बताया है। फाइल का जो ऊपर का कवर है वो भी आप सबको पता चल गया होगा, ये नहीं कोई हार्डबोर्ड लेके चला रहा है, कोई इतनी बड़ी फाइल लेके चला रहा है। अब इसमें जो फाइल का फॉर्मेट दिया था वो सबको क्लियर है कि क्लिप वाली फाइल हमारी होगी, क्लिप, इसमें आप क्लिप कर देते हैं, ठीक है, स्टिक नहीं चलेगा और ना ही वो ऑफिस वाली फाइल होगी, क्लिप वाली फाइल होगी, उसमें A4 पेजेस आपके लगेंगे। ये फॉर्मेट आप सबको क्लियर है, इसमें तो आप कोई डाउट तो नहीं है किसी को, तो वो सारे जो है पेजेस उसमें लगते चले जाएंगे। असाइनमेंट पेज, फिर आपका लिखा हुआ पेज विद आउटपुट जो भी आपने लिखना है वो आप लिखेंगे। और जब भी आपको कॉल किया जाएगा, जब भी आपको बुलाया जाएगा, वो फाइल आपको यहाँ प्रोड्यूस करनी होगी, और फाइल चेक करने के बाद फिर वो हम लोग का एग्जाम कंडक्ट होगा जैसा कि हम लोग एज यूजुअल करते हैं, ठीक है। लाइब्रेरी हमारे यहाँ फंक्शनल है, खुली रहेगी, आप वन बाय वन करके आके यहाँ से बुक इशू करा सकते हैं, लेकिन ग्रुप में मत आइएगा, ग्रुप में अलाउड नहीं है। जो भी यूपी गवर्नमेंट के SOP उनको फॉलो करते हुए बुक आप अपना इशू करा सकते हैं। जो रिटर्निंग डेट है आके कुछ समय के बाद उसको रिटर्न करा लीजिए, रिटर्न करके फिर री इशू कर लीजिए, ठीक। कोई डाउट होगा तब भी आप टीचर से बात करके इंडिविजुअली या एक दो लोग तीन लोग आ करके अपनी प्रॉब्लम को यहाँ सॉल्व कर सकते हैं, उनसे पूछ लीजिए, जब भी वो खाली होंगे टीचर तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जो है बल्क में नहीं आना है, एक साथ नहीं आना है, ठीक है, ये चीज आप पहले से ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले जो हमारा ये सब्जेक्ट है डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग सी, एज नेम सजेस्ट यू ऑल ऑफ यू मस्ट फेमिलियर अबाउट द फंक्शनैलिटीज फंडामेंटल्स ऑफ सी प्रोग्रामिंग। तो लास्ट सेमेस्टर में बहुत अच्छे से आपको सी प्रोग्रामिंग पढ़ाई भी गई है, आप सबने बहुत अच्छे से पढ़ी भी है, उसका एग्जाम भी हो चुका है, प्रैक्टिकल की लैब मैंने खुद ली थी, सारे एक्सपेरिमेंट मैंने आपको कराए, तो उस लैब के बारे में आपको पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, साथ ही साथ वर्किंग, उसकी वर्किंग किस तरह से हो रही है, और वर्किंग के साथ साथ आपको इम्प्लीमेंटेशन आना चाहिए। जो भी हम आपको डेटा स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट बताएंगे उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है इम्प्लीमेंटेशन, यानी हमने डेटा स्ट्रक्चर के बारे में बताया, उसको सी प्रोग्रामिंग से हमको इम्प्लीमेंट करना है। तो हमने बेसिकली सी प्रोग्राम इसीलिए पढ़ा ही था, हमने दो नंबर का एडिशन या फिबोनाची सीरीज, ये तो हमारा एक एग्जाम्पल था, ये हमारा एक कह सकते हैं एक्सरसाइज थी टू लर्न कि लूप किस तरह से चल रहे हैं, पैलिंड्रोम हमने निकाला तो हमें पता चला कि लूपिंग किस तरह से हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। फिर पॉइंटर का यूज पढ़ा, स्ट्रक्चर का यूज हम लोग ने सबने पढ़ा, यूनियन पढ़ा, लेकिन एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन ये डेटा स्ट्रक्चर में ही है। बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, कंपनीज जब भी प्लेसमेंट के लिए आएंगी तो बिना डेटा स्ट्रक्चर के एग्जाम के, वेदर इट इज रिटेन और ओरल जिसको हम लोग इंटरव्यू कहते हैं, बिना डेटा स्ट्रक्चर एग्जाम को क्रॉस किए हुए या पास किए हुए आप किसी भी कंपनी में सेलेक्ट नहीं हो सकते। ये सब्जेक्ट हर कोर्स में है, हर कोर्स का मतलब किसी भी स्ट्रीम चले जाइए आप, चाहे आप BSc कंप्यूटर साइंस से पूरी कर रहा हो, चाहे BTech कर रहा हो, उसके बाद वो MTech करेगा, कुछ भी करेगा, डेटा स्ट्रक्चर से छुटकारा नहीं है। MCA में भी ये सब्जेक्ट है, ये सबसे सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, आप ये समझ सकते, ठीक है। जैसे जैसे हम पढ़ते चले जाएंगे इसकी फंक्शनलिटीज आपको पता चलती जाएगी, इसकी लैब मिस्टर सदावली कराएंगे, लैब में वो जो भी कराते हैं कराते रहिए, अगर कोई डाउट होगा तो वो हम लोग ट्यूट में पहले तो उनसे देखिए, कोशिश ये करिए कि उनसे पूछिए, समझने की कोशिश करिए, बिकॉज ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो भी लैब करा रहे हैं उनकी होती है। जब हम आपसे डिस्कस कर रहे थे, जब मैंने आपको लैब सी प्रोग्रामिंग की कराई थी, तो जितने प्रोग्राम मैं आपको करा रहा था उस प्रोग्राम की वर्किंग मैंने आपको पूरी बताई थी, ठीक है। ये सब आप लोग को याद है कि नहीं है, यानी प्रोग्राम में जो भी लाइन लिखी गई है, ईच एंड एवरी लाइन, जो भी प्रोग्राम में लाइन लिखी गई है वो प्रोग्राम की लाइन को हमने सभी को एक्सप्लेन किया था। स्क्रीन विजिबल है, है?
स्क्रीन विजिबल है? पीपीटी वाली चली गई? जस्ट अ मिनट होल्ड। देखो आई, ठीक है, डिस्प्ले आ रहा है ना? हाँ, तो जो भी कोड लिखाया जाए, जो भी कोड समझाया जाए, उसको समझने की कोशिश करिएगा। बाकी फर्दर एक बार हम जब डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा लेंगे, डेटा स्ट्रक्चर में जो भी टॉपिक हम एक बार पढ़ा लेंगे, तो प्रोग्राम को मैं फिर से कवर करूंगा। जो लैब में प्रोग्राम कराया गया वो मैं भी समझा दूंगा, ठीक है? क्योंकि वो प्रोग्राम आपके यहाँ एंड सेमेस्टर एग्जाम में भी पूछा जाएगा, ये चीज ध्यान रखनी है हम सबको। तो पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी ये कि लैब को टाइमली, जो पिछले बार केयरलेस तरीके से आपने की थी लैब, वो नहीं करना है। उस तरह की गलतियां रिपीट नहीं करनी है। जो भी स्टेटमेंट लिखाया गया है, जो भी स्टेटमेंट आपको बोला गया है, समझाया गया है, उसको समझने की पूरी कोशिश करिए। कोई क्वेरी होती हो तो वहीं पे सॉल्व करिए, नहीं तो हमारी ट्यूट क्लास में भी हम उसको डिस्कस करेंगे। आज ही मुझे लग रहा है किसी एक ग्रुप की लैब है। किस ग्रुप की लैब है? टूटू की। तो वेरी फर्स्ट डे आज लैब है, देखिए क्या होता है। नहीं तो जैसे जैसे हमारा सब्जेक्ट का पेस बढ़ेगा और विद इन वन वीक वी आर एबल टू डिस्कस अबाउट द एक्चुअल प्रोग्राम विच इज इम्प्लीमेंटेड थ्रू सी इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। सो व्हाट इज डेटा स्ट्रक्चर? आई डिस्प्लेड इन द स्क्रीन। डेटा स्ट्रक्चर इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ लॉजिकल रिलेशनशिप एग्जिस्टिंग बिटवीन इंडिविजुअल एलिमेंट्स ऑफ डेटा। बिफोर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डेटा, फर्स्ट वन, व्हाट इज डेटा? कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज डेटा? व्हाट डू यू मीन बाय डेटा? देखिए, आंसर करते रहिए, आंसर करना बहुत जरूरी है, ये ध्यान रखिएगा। व्हाटएवर जो इंटरनल मार्क्स आपके हैं या जो कुछ भी हो, आपकी जो रियल जो क्लास परफॉर्मेंस है उस पर बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं। ये नहीं कि आप ब्लैक हॉर्स बनकर चुपचाप बैठे हुए हैं, कान में लीड लगा करके सुन रहे हैं और रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। अटेंडेंस बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होने वाला है ड्यूरिंग इवेल्युएशन ऑफ योर इंटरनल परफॉर्मेंस, ये ध्यान रखिएगा। कुछ लोग ना पिछले बार बहुत गलत काम किए, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा, मतलब जिसको कह सकते हैं लिमिट से क्रॉस करके उन्होंने जो है गलत काम किए हैं, और उनके इंटरनल भी उतने अच्छे नहीं बने होंगे। मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं है, मैंने सबको बता दिया है, एवरीवन नोस कि वो आपके बीच में वो कौन होंगे, ठीक है? तो काम करना एक अलग बात है, लेकिन साथ ही साथ क्लास में एक्टिवली पार्टिसिपेट करना वो भी एक इम्पॉर्टेंट है, फैक्टर है, ये ध्यान रखिएगा। वो चाहे आपका वाइवा हो, एंड सेमेस्टर का प्रैक्टिकल वाइवा हो, वो हर जगह रिफ्लेक्ट होगा। सिर्फ इसलिए नहीं कि उस दिन आकर के आपने एक दो क्वेश्चन के आंसर दे दिए और लिख दिया तो आपने सब कुछ कर लिया, नहीं, वो पूरा सब कुछ रिकॉर्ड होता चला जाता है, ये ध्यान रखिएगा। तो व्हाट इज डेटा? डेटा, यू कैन से दैट आई एम गोइंग टू मोल्ड द डेफिनेशन एंड मोर सिग्निफिकेंट वे। डेटा इज रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। जो रॉ फैक्ट्स और फिगर्स होते हैं उनको हम लोग एक्चुअल में डेटा कहते हैं। एंड कैन एनीवन टेल मी अबाउट द इंफॉर्मेशन? इंफॉर्मेशन एग्जैक्टली, वेरी इफिशियंट डेफिनेशन। प्रोसेस डेटा इज नोन एज इंफॉर्मेशन।
हमने इसलिए बोला रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स, तो जो डेटाज होते हैं वो रॉ फैक्ट्स होते हैं, फिगर्स होते हैं, कोई टर्म हो गया, ठीक है। लेकिन जब उसको आप प्रोसेस कर देते हैं फॉर अ मीनिंगफुल पर्सन, मीनिंगफुल पर्पस के लिए आप जब उसको प्रोसेस करते हैं, तो जो आउटकम होता है उसको हम लोग कहते हैं इंफॉर्मेशन। दैट्स व्हाई प्रोसेस डेटा इज नोन एज इंफॉर्मेशन। सो बिफोर वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, वी मस्ट फैमिलियर अबाउट द बेसिक टर्म लाइक डेटा और द इंफॉर्मेशन। सो इन कंटिन्यूअस ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, इन अदर वर्ड्स यू कैन से दैट अ डेटा स्ट्रक्चर इज अ वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग ऑल डेटा आइटम्स दैट कंसीडर्स नॉट ओनली द एलिमेंट स्टोर्ड बट ऑल्सो देयर रिलेशनशिप टू ईच अदर। यू कैन से दैट डेटा स्ट्रक्चर इज द मैथड टू सिस्टमैटिक कलेक्शन फॉर द इफिशियंट यूज ऑफ डेटा। आप चाहे तो ये डेफिनेशन नोट्स बना लीजिए, जैसे हम लोग क्लास में पढ़ाते हैं, जैसे क्लास में आप नोट्स बनाते हैं, तो ये हम लोग का जो भी अप्रोच चल रहा है इसमें भी नोट्स आप लिखते चले जाइए, बनाते चले जाइए, ये आपके लिए सही रहेगा, ठीक है। सॉफ्ट कॉपी में कब आप डाउनलोड करेंगे कब क्या होगा, लेकिन अगर एक रजिस्टर में आप ये नोट डाउन करते चले जाएंगे तो वो चीजें साइमल्टेनियसली आपको क्लियर होती चली जाएंगी। सो डेटा स्ट्रक्चर अफेक्ट द डिजाइन ऑफ बोथ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ प्रोग्राम। कैन एनीवन टेल मी अबाउट द प्रोग्राम, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोग्राम? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। नाउ फ्रॉम टूडेज ऑनवर्ड्स योर डेफिनेशन विल बी चेंज। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज द प्रोग्राम, बट प्रोग्राम इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एल्गोरिथम्स एंड डेटा स्ट्रक्चर। जो हम लोग एल्गोरिथम लिखते हैं, एल्गोरिथम सबको पता है, रफ या यू कैन से दैट स्केच या यू कैन से पोर्ट्रे स्टेप्स विच विल बी यूज्ड ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम इन सिंपल अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज, उसी को हम लोग एल्गोरिथम कहते हैं। एल्गोरिथम में चाहे आप स्टेप वाइज लिख लीजिए, टेक्निकल टर्म यूज करके लिख लीजिए कि ये एक्स स्टेप वाई स्टेप जेड स्टेप ये फॉलो करेंगे तो हमको मीनिंगफुल पर्पस मिल जाएगा, अचीव हो जाएगा, हमारा पर्पस सॉल्व हो जाएगा, तो उसको हम लोग एल्गोरिथम कहते हैं। तो वो एल्गोरिथम और डेटा स्ट्रक्चर का कॉम्बिनेशन ही प्रोग्राम कहलाता है। आप सब लोग जब भी प्रोग्राम लिखते हैं तो बिफोर यू आर गोइंग टू राइट द प्रोग्राम, एक आपके मन में एक रफ आइडिया बनता है। एक्चुअल में दैट रफ आइडिया इज समटाइम नोन एज एल्गोरिथम। साथ ही साथ जब आप रफ आइडिया की बात करते हैं, प्रोग्राम लिखने से पहले आपके माइंड में ये जरूर रहता है कि हम ये वेरिएबल लेंगे, ये वेरिएबल का टाइप हमारा होगा, ठीक है, और जो जो उसके पहले के हमारे फंक्शन के नेम ये हो सकते हैं। तो ये जब आप ओवरऑल आइडिया डेवलप करते हैं, एक्चुअल में ये आपने काम पहले कर लिया फर्स्ट सेमेस्टर, लेकिन एक मीनिंगफुल नेम इसको कन्वेंशन आप नहीं कर पाए, वही जो स्ट्रेटजी होती है, वही टेक्निक होती है, उसको हम लोग कहते हैं डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। सो ऑलरेडी यू नो दैट एल्गोरिथम इज स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व अ पर्टिकुलर फंक्शन और द पर्पस। दैट मींस एल्गोरिथम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन रिटन टू कैरी आउट सर्टेन टास्क एंड द डेटा स्ट्रक्चर इज द वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द डेटा वेदर ऑर्गेनाइजिंग द डेटा विद दियर लॉजिकल रिलेशनशिप रिटेन। हाउ इट विल हैपन वी विल डिस्कस इन लेटर पार्ट। टू डेवलप अ प्रोग्राम ऑफ एन एल्गोरिथम वी शुड सेलेक्ट एन अप्रोप्रिएट डेटा स्ट्रक्चर फॉर दैट एल्गोरिथम। आई ऑलरेडी टोल्ड यू, तो हम लोग पहले से ही वो जो स्ट्रक्चर बना लेते हैं कि ये हमारा इंटीजर टाइप का होगा, ये हमारा एरे, हम इसको एरे में लेकर के चलेंगे, हो सकता है हमें यहाँ पे स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ जाए या हमें यूनियन की जरूरत पड़ जाए, तो ये सब जो है हमारा पहले से ही वर्कआउट होने लगता है। देयरफॉर एल्गोरिथम एंड एसोसिएटेड डेटा स्ट्रक्चर फ्रॉम अ प्रोग्राम। डेटा स्ट्रक्चर बेसिकली यू कैन से दैट आर
bifurcated into two parts. First one is primitive data structure and second is non-primitive. Please write it down. There are two types of data structure. So whenever you are going to classify data structure or the type of data structure, there are two types of data structure. दिखते चलिए, किसी दिन भी मैं रेंडमली किसी को भी कॉल करके कॉलेज बुला लूंगा और उसके नोट्स चेक करूंगा. इसलिए व्हेनेवर आई एम गोइंग टू चेक द नोट्स, यू मस्ट प्रिपेयर योर नोट. इसलिए पहले ही इसको बनाते चलिए. ठीक है, लिख लीजिए क्लासिफिकेशन. क्या नहीं, मैंने किसी को भी ऐसा नहीं किया जो वेटिंग में हो. ऑल आर अलाउड, मुझसे कहिए रिज्वाइन करें. नो वन इज इन वेटिंग, देयर इज नो क्यू फॉर वेटिंग. ठीक, सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर. फर्स्ट वन इज प्रिमिटिव, सेकेंड इज नॉन प्रिमिटिव. कैन एनीवन टेल मी द एक्चुअल टर्म और द लिटरल मीनिंग ऑफ प्रिमिटिव? कोई बताएगा प्रिमिटिव का मतलब क्या होता है? Exactly. तो सबसे पहले तो हम आपको जिन्होंने अतुल या सैनी, आपने ही बोला शायद, मुझे लग रहा है. तो प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर जो है, क्लासिफिकेशन आप इस तरह से इसको स्ट्रक्चर्ड कर लीजिए अपने कॉपी में, डायग्राम बनाते चलिए. दिस इज द एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन. सब्जेक्टिव आपका पेपर आने वाला है, इस बार सब्जेक्टिव पेपर ही होगा. यूनिवर्सिटी के क्लियर इंस्ट्रक्शन है, whatever circumstances are there, चाहे जब हो, लेकिन अब होगा सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव नहीं होना. ठीक है, अभी यूपी बोर्ड के भी एग्जाम होने वाले हैं, सीबीएसई, आपके जूनियर्स हैं, सीबीएसई बोर्ड वाले 10th 12th, सबके ऑब्जेक्ट सब्जेक्टिव ही होने वाले हैं. तो देयर इज नो पॉसिबिलिटी फॉर ऑब्जेक्टिव. तो दैट्स व्हाई ऑल ऑफ यू मस्ट डेवलप द हैबिट फॉर राइटिंग द आंसर, और डिटेल आंसर लिखने पड़ते हैं. So this type of diagram, block diagram and representation will be very fruitful or helpful whenever you are framing your answer. ठीक है, इसलिए इस तरह से narrate करके बना लीजिए. So primitive data structure, primitive data structures are those data structures that are directly operated through machine or they are system generated data structure. और वो सब आपने हमने पढ़े हुए हैं, integer, float, character, pointer, string, double, सब हम लोग ने पढ़े हुए हैं. जो हम C की बात कर रहे हैं, क्योंकि आप C से ही फेमिलियर हैं, बहुत सारे लोग जावा से भी फेमिलियर हो सकते हैं, कुछ लोग ने पाइथन का भी कोर्स किया होगा, बट मुझे उससे हम उस पर कंसर्न नहीं है. जिसपे हम लोग फेमिलियर है, जो हम लोग ने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा है, जिसपे मोस्ट ऑफ द पर्सन आर स्टूडेंट्स आर फेमिलियर, हम उसी का एग्जाम्पल कोट करेंगे. तो प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स आर दोज डेटा स्ट्रक्चर्स व्हिच इज ऑपरेटेड और जो यू कैन से दैट कंपैटिबल विद सिस्टम ओरिएंटेड डेटा स्ट्रक्चर. ठीक है, दूसरा होता है नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर. नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स आर डिराइव्ड फ्रॉम प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर. तो दीज डेटा स्ट्रक्चर जो आपके नॉन प्रिमिटिव है, these are derived from primitive data structure. Please note it down. इस तरह के जो structure को block को तुरंत बना लीजिए, इसको copy में लिखते चलिए, non-primitive data structure, और ये block diagram बना लीजिए. तो definition पहले तो ये हो गई. Non-primitive data structures are those data structure that is derived from primitive data structure. Non-primitive data structure is of two types, that is linear, second one is non-linear. Everyone are able to see the this structure, linear list, non-linear list, यहां देख पा रहे हैं ये, लेकिन list नहीं लिखिएगा, ये गलत लिखा हुआ है. ठीक है, यहां पे लीनियर लिखिएगा, लीनियर, दूसरा नॉन लीनियर. डोंट राइट लिस्ट,
So non-primitive data structure is further divided into two parts, that is your linear, second is non-linear. Linear का मतलब हो गया, these are the single level data structure operated in linear way. And types are array, linked list, stack, queue. अभी हम लोग आगे इसको define भी करेंगे. Array से all of you are familiar. Very much. Linked list, stack, queue. ये सारे linear होते हैं. Linear का मतलब line wise. Serially. Linearly you can say that serially. So these are linear data structure. Types of linear data structure. That is array, linked list, stack and queue. You can also bifurcate linear data structure into two categories. ये तो हमने ये types, ये these are the examples of data structure. Linear data structure is further divided into two types. That is your static and dynamic. ठीक है? तो array में जो array की आप बात करते हैं, वो static हमारा होता है. Array हमेशा हमारा static representation के लिए होता है. लेकिन जो linked list, stack, queue ये दोनों फॉर्म में काम करता है. ये स्टैटिकली भी ऑपरेट हो सकता है और ये डायनेमिकली भी ऑपरेट हो सकता है. डायनेमिक का मतलब जो मेमोरी आपकी होती है वो रन टाइम पे आप एलोकेट करेंगे इनके नोड्स के लिए, इनके एलिमेंट्स के लिए. एरे इज द क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डेटा एलिमेंट्स. एरे यही तो होता है. लेकिन एरे में जो मेमोरी एलोकेशन होता है दैट इज योर स्टैटिक. बट जो लिंक्ड लिस्ट, स्टैक, क्यू, इसमें मेमोरी एलोकेशन आपका स्टैटिक और डायनेमिक दोनों ही होता है. कैन एनीवन टेल मी द मेथड फॉर डायनेमिक एलोकेशन ऑफ मेमोरी? कोई बता पाएगा? नो. I am not asking that. Dynamic memory allocation के 4 functions होते हैं, ठीक है? अगर आपने थोड़ा सा pointer सही से पढ़ा होगा तो pointer के reference में सर ने बताया होगा. जब आपको pointer पढ़ाया जा रहा था तब सर ने जरूर बताया होगा dynamic memory allocation के 4 function होते हैं, malloc, calloc, free एंड realloc. पढ़ा किसी ने? कोई भी एक पर्सन अवेयर है? नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बताया गया है, ठीक है? ये बताया गया है तो ये आप एक बार पढ़ लीजिएगा. हमारा जब प्रोग्राम की बारी आएगी तो हम थोड़ा आपको इसका इंट्रोडक्शन देंगे, क्योंकि हमें इसकी सिंटैक्स की जरूरत पड़ेगी. हम पॉइंटर बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ाने जा रहे हैं, क्योंकि वो सब तो आप पहले ही पढ़ चुके हैं. अगर वो वहां पे ज्यादा फोकस करेंगे तो हमारा इधर का सब कुछ छूट जाएगा. तो उस जब हमारा ये प्रोग्राम की बारी आएगी, प्रोग्राम में इम्प्लीमेंटेशन की बारी आएगी, तो हम डेफिनेटली डिस्कस जरूर करेंगे और वो पर्टिकुलर स्टेटमेंट जिसकी हमें जरूरत है आई विल एक्सप्लेन. तो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के इन फंक्शन के थ्रू ही आप डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट करा सकते हैं. तो ये जो आपके लिंक्ड लिस्ट, स्टैक, क्यू, दिस विल आल्सो वर्क एज डायनेमिक नेचर, ठीक है? और जो सेकेंड नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर का टाइप होता है दैट इज योर नॉन लीनियर. नॉन लीनियर का मतलब ये सीरियल ऑर्डर में नहीं होते हैं, सिक्वेंशियल ऑर्डर में नहीं होते हैं. तो फर्स्ट वन इज ट्री, सेकेंड वन इज ग्राफ. इन दिस डायग्राम ग्राफ पहले लिखा है, ट्री बाद में लिखा है, बट जब आप बनाए तो उसको ट्री को पहले कर लीजिए और ग्राफ को बाद में करिए, ठीक है? क्योंकि बुक में आपको इसी ऑर्डर में मिलेगा और यही इसका स्पेसिफिक ऑर्डर ही है. फर्स्ट वन इज ट्री, सेकेंड वन इज ग्राफ. ट्री, ट्री सबने देखा, पेड़ सबने लगाए हुए हैं, सबके घर के आसपास पेड़ जरूर होगा. ट्री की जो खास बात होती है वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे. और ग्राफ भी सबने बनाए हैं, ग्राफ भी सबने प्लॉट किए, ग्राफ भी सबने बनाए हैं और ग्राफ के टाइप भी ऑल आर फैमिलियर. सो हम लोग अभी थोड़ा थोड़ा आगे इसके बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे. एक जो बड़ा क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेने के काफी करीब आ चुके हैं कि
व्हाट डू यू मीन बाय डेटा स्ट्रक्चर, डेटा स्ट्रक्चर को डिफाइन करना है, एंड आल्सो डिस्कस डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। तो जब हम डिफरेंट टाइप डेटा स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो हमारे पास दो टाइप आते हैं, पहला प्रिमिटिव, सेकेंड वन इज नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव जो है आपके सिस्टम ओरिएंटेड, सिस्टम जनरेटेड, मशीन स्पेसिफिक जो डेटा स्ट्रक्चर होते हैं वो होते हैं, वो आप फेमिलियर है हम लोग, इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, जो हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर में सी में पढ़ चुके हैं, दीज आर द सिस्टम जनरेटेड। नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर दैट इज डिराइव डेटा स्ट्रक्चर फ्रॉम प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। जो प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर डिराइव होते हैं उनको ही हम नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर कहते हैं। ये फर्दर दो पार्ट में डिवाइड होते हैं, लीनियर और नॉन लीनियर। लीनियर फर्दर दो पार्ट में डिवाइड होते हैं, स्टैटिक, डायनेमिक। और इनके ये टाइप्स जो आप देख पा रहे हैं, एरे इज द स्टैटिक, प्योरली स्टैटिक, एंड द जो आपके बचे रेस्ट थ्री हैं, लिंक्ड लिस्ट, स्टैक क्यू, ये दोनों तरह से बिहेव करते हैं, स्टैटिक में भी होंगे, डायनेमिक में भी होंगे। तो आप इनको डायनेमिक में ही लिखिएगा, ठीक है। स्टैटिकली भी ये परफॉर्म करेंगे क्योंकि इनका इम्प्लीमेंटेशन एरे के थ्रू ही हो जाता है। स्टैटिक इम्प्लीमेंटेशन को हम एरे इम्प्लीमेंटेशन ही बोलते हैं। तो अब आपको प्रोग्राम मिलेंगे या जो प्रोग्राम एग्जाम में पूछा जाएगा या लैब में भी जो प्रोग्राम होगा उसमें भी यही लिखा होगा कि एरे इम्प्लीमेंटेशन और डायनेमिक इम्प्लीमेंटेशन। और जो नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होते हैं जो कि सिक्वेंशियल नहीं होते, लीनियर हम लोग इसलिए कहते हैं क्योंकि सिक्वेंशियल होते हैं, नॉन लीनियर इसलिए कहते हैं कि सिक्वेंशियल नहीं होते हैं, तो ट्री और ग्राफ। प्रिमिटिव, जस्ट 2 मिनट होल्ड, एवरीथिंग विल बी एक्सप्लेन एज इट पर टर्म। प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर, देयर आर बेसिस स्ट्रक्चर एंड डायरेक्टली ऑपरेटेड अपॉन द मशीन इंस्ट्रक्शन। इन जनरल देयर आर डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन ऑन डिफरेंट कंप्यूटर। और जो हमने आपको टाइप्स बताए, इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, स्ट्रिंग, पॉइंटर्स, दीज आर द प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। नॉन प्रिमिटिव, देयर आर मोर सोफिस्टिकेटेड डेटा स्ट्रक्चर, दीज डेटा स्ट्रक्चर्स आर डिराइव्ड फ्रॉम प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। द नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर एम्फसाइज ऑन द स्ट्रक्चरिंग ऑफ ग्रुप ऑफ होमोजीनियस, दैट इज योर सेम टाइप, जो आपका एरे आ गया, और हिट्रोजीनियस, दोनों ही हो सकता है, ठीक। तो जहां हमने बताया रिप्रेजेंटेशन स्टैटिक और डायनेमिक, ठीक। नॉन प्रिमिटिव में जो मैंने आपको फर्दर क्लासिफिकेशन बताया था, आपका जो नॉन प्रिमिटिव का लीनियर, नॉन लीनियर, उसमें भी स्टैटिक और डायनेमिक। तो जो लिस्ट एक्चुअल में अगर आप देखे जाए जिनको हमें पढ़ना है, क्योंकि एरे तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, हमें जो पढ़ना है दैट इज लिस्ट। और जो टेक्निकल नाम है लिस्ट का, दैट इज लिंक्ड लिस्ट, LINKED। अगर आप लिंक, किसी किसी किताब में LINK होगा, LINK लिंक, और तब लिस्ट होगा या सिर्फ लिस्ट होगा। लेकिन जहां हम टर्मिनोलॉजी की बात करेंगे, बिफोर वी आर गोइंग टू डिटेल इन एनी डेटा स्ट्रक्चर, बेसिकली उससे पहले हम थोड़ा सा उसके टर्मिनोलॉजी के बारे में भी बात कर लेंगे। तो वो टर्मिनोलॉजी में जैसे ही आपने लिंक लिस्ट को लिंक्ड लिस्ट नहीं लिखा, तो वो आपके नंबर वहां से डिटेक्ट हो जाएंगे और वो रॉन्ग टर्म में ट्रीट होगा। तो लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू, ट्री, ग्राफ, ये जो पांच टाइप देख रहे हैं, एक्चुअल में ये पूरी किताब है, ये पूरी किताब डेटा स्ट्रक्चर की किताब है। ये पांच चैप्टर्स ना होकर के ये पूरी डेटा स्ट्रक्चर की किताब है। और पूरा प्रोग्रामिंग, पूरा सॉफ्टवेयर, पूरा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसीजर इसी के आसपास रिवॉल्व होता है, ठीक है। जो हम लोग के नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर के जो कॉमनली आप कह सकते हैं ऑपरेशन है, वो हम लोग अभी सब आगे डिस्कस भी करते चले जाएंगे। वी आर ओनली टूडे डिस्कस अबाउट द फंडामेंटल ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, नॉट डिस्कस अबाउट द इम्प्लीमेंटेशन। सो फर्स्ट यू मस्ट क्रिएट और डेवलप योर फंडामेंटल, पहले फंडामेंटल अपना डेवलप कर लीजिए, क्रिएट कर लीजिए, फिर हम लोग और डिटेल इम्प्लीमेंटेशन पार्ट में आएंगे। सो नॉट इन हरी, हम लोग के 40 लेक्चर का पूरा कैरिकुलम बना हुआ है और हर लेक्चर में हर चीज जो है डिस्क्राइब है, वो जैसे आती चली जाएगी वो चीजें जुड़ती चली जाएंगी। तो जो कॉमनली ऑपरेशन होते हैं, कुछ ऑपरेशन यहाँ से थोड़े डिफर भी होते हैं, हम
थोड़ा अलग भी करेंगे, लेकिन जो कॉमन होते हैं दीज आर क्रिएट, कोई भी डेटा स्ट्रक्चर होगा उसको हम क्रिएट करेंगे सबसे पहले। तो क्रिएट, सेलेक्शन, सेलेक्शन को आप ट्रेवर्सिंग भी कह सकते हैं, या जिसको हम लोग डिस्प्ले भी बोलते हैं, कि जो भी हम काम करेंगे, हम जो भी काम करेंगे, जो भी इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, वो यूजर साइट पे या कंसोल पे डिस्प्ले भी हो। सेलेक्शन, अपडेटिंग, यानी आप उसमें अपडेट का मतलब जो भी एलिमेंट है वो ऐड कर सकते हैं या उनको डिलीट कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, सॉर्ट कर सकते हैं और मर्ज भी कर सकते हैं। ये सब कॉमन ऑपरेशन होंगे या हो सकते हैं। आप ये वेदर, ये जरूरी नहीं है कि ये आप सारे इम्प्लीमेंट करें। इट रिक्वायरमेंट अगर है या क्वेश्चन में पूछा गया है तो ही आप करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए। ये अदिति राय इतनी देर से क्यों ज्वाइन कर रही है? अदिति राय क्यों इतनी देर से ज्वाइन किया? देखिए, ऑल आर रिक्वायर्ड टू स्ट्रीम एंड ट्यून योर नेटवर्क, बैंडविड्थ बढ़ा लीजिए, थोड़ा सा पैसा खर्च कर लीजिए। ये सब चलने वाला है नहीं बेटा, ये फर्स्ट सेमेस्टर में तो था, ठीक है, आप नए हैं, सब कुछ है, हाँ, तो लॉकडाउन नहीं लगा हुआ है कहीं भी। आप अपना थोड़ा सा नेटवर्क ऐसी जगह करिए कि सब चीजें सही हो जाए, ऐसी जगह बैठिए, ठीक है, सर्विसेज अच्छी जगह से ऑप्ट करिए। ये सब एक्सक्यूज हम लोग के साथ एक्सेप्टेबल नहीं होते, जितने ना ही मैं एक्सेप्ट करूंगा, मैं क्या कोई भी नहीं करेगा, ठीक है। प्रॉपर गाइडलाइंस हैं कि आप जो भी टेक्नोलॉजी, जो भी आपके इक्विपमेंट गैजेट्स होते हैं वो वेल परफॉर्मिंग मैनर में होने चाहिए, ठीक है, ना हो तो किसी टावर के नीचे बैठ कर क्लास करो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, नो हार्म। बहुत सारे ऐसे फैकल्टीज हैं जो बहुत दूर दूर जाकर क्लास लेते हैं, ठीक है। एरेज के बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे, एरेज हम लोग का सब पढ़ा हुआ है। हम लिंक लिस्ट की बात करेंगे, लिस्ट जो कि हमारी लीनियर लिंक लिस्ट है, दैट हमने नाम जो आप देख पा रहे हैं, लीनियर लिंक्ड लिस्ट, एक्चुअल इसका टेक्निकल नाम है लिंक्ड लिस्ट। लिस्ट हम बोलेंगे जब हमारा कन्वर्सेशन होगा, तो मैं तो लिंक लिस्ट ही बोलता हूं, लेकिन जब आप लिखेंगे तो ध्यान रखिएगा लिंक्ड लिस्ट ही लिखें। दैट इज डिफाइंड फॉर कलेक्शन ऑफ वेरिएबल नंबर ऑफ डेटा आइटम्स। लिंक्ड लिस्ट आर द मोस्ट कॉमनली यूज्ड ऑन नॉन प्रिम्प्टेड स्ट्रक्चर। जो हम लोग एक लाइन बनाते हैं, जो हम लोग एक लिस्ट जनरेट करते हैं, वेदर इट इज ऑर्डर और अनऑर्डर, डिसेंडिंग और असेंडिंग, ये एक लिस्ट का ही टाइप है, जिसको हम लिंक्ड लिस्ट इसलिए देते हैं नाम क्योंकि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से जुड़ा हुआ है, या अगर हमारे लिस्ट में 10 एलिमेंट है तो 10 के 10 एलिमेंट जुड़े हुए, जुड़े कैसे हुए हैं, क्या बीच में कैसे जुड़ना है, कि या तो उनका मेमोरी एड्रेस होगा, तो एक को हमने अगर पकड़ लिया तो हम अगले वाले नोड पे जा सकते हैं, दूसरे वाले को पकड़ा तो तीसरे पे जा सकते हैं, तीसरे वाले को पकड़ा तो आखिरी तक जा सकते हैं, ठीक है। लिंक का मतलब इसलिए लिखा गया, और लीनियर का मतलब क्या हुआ कि अगर हमें 10th नोड तक जाना है तो हमें इन 9 नोड को ट्रेवर्स करके ही जाना है, हम जंप नहीं कर सकते। दिस फैसिलिटी इज नॉट हियर इन लिंक लिस्ट, ये ध्यान रखना है। भले ही हम डिस्प्ले कराएं, लेकिन डिस्प्ले में जब आप प्रोसीजर फॉलो करेंगे तब भी 1 by 1 ही करें। ये आपने सबने ऑलरेडी आप फैमिलियर हैं कि लिस्ट की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। एलिमेंट ऑफ लिस्ट मस्ट कंटेन एटलीस्ट 2 फील्ड्स, 1 फॉर स्टोरिंग डेटा और इंफॉर्मेशन एंड अदर फॉर स्टोरिंग एड्रेस और नेक्स्ट एलिमेंट। बस बट दिस इज वायलेटेड व्हेन यू आर यूजिंग डबली लिंक लिस्ट। दिस इज समटाइम जो लीनियर लिंक लिस्ट है, समटाइम अननोन एज, और जब टर्मिनोलॉजी की बात करेंगे तो उसको कहते हैं सिंगली लिंक लिस्ट, SINGLY, सिंगली लिंक लिस्ट। और जब दूसरी लिंक लिस्ट की बात करेंगे तो दूसरी होती है हमारी डबली लिंक लिस्ट। तो हमने आपको बताया कि एक
फील्ड जो जो भी एक नोड है उसका एक पार्ट इंफॉर्मेशन पार्ट स्टोर करता है और दूसरा उसका एड्रेस पार्ट स्टोर करता है, जिससे कि नेक्स्ट एलिमेंट रिलेट होता है, अटैच होता है, लिंक्ड होता है, ठीक है। लेकिन जब हम डबली लिंक लिस्ट की बात करेंगे तो वहां पे दो एड्रेस हो, दो एड्रेस क्यों होते हैं, क्योंकि सिंगली लिंक लिस्ट का ये ड्रॉबैक है कि हमारे तो पास जो फैसिलिटी होती है वो आगे जाने की होती है, मतलब एक के बाद दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, फोर्थ प्लेस तक चले गए। लेकिन अगर हमको फोर्थ से फिर वन पे आना है तो हमारे पास ऐसा कोई एड्रेस होता ही नहीं है, हमारे पास जो नेक्स्ट एलिमेंट है उसका एड्रेस जिस एलिमेंट में हम हैं या प्रीवियस एलिमेंट में ही पड़ा होता है। डबली लिंक लिस्ट में फैसिलिटी होती है कि जो भी नोड है, जो भी एलिमेंट है, वो अपने आगे आने वाले यानी जो फॉरवर्डिंग लोकेशन पे नोड है उसका एड्रेस भी कंटेन करता है और प्रीवियस जो बैकवर्ड लोकेशन पे नोड है उसका भी एड्रेस कंटेन करता है। तो किसी भी पोजीशन पे आप आगे भी जा सकते हैं और वापस बैक ट्रैक भी कर सकते हैं। सो दिस जो यहाँ पे मैंने आपको बताया या यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये सिर्फ सिंगली लिंक्ड लिस्ट के लिए अप्लीकेबल है कि इसके एक पार्ट में इंफॉर्मेशन पार्ट होता है और दूसरे में एड्रेस पार्ट होता है, ठीक। दिस इज द कॉमन एग्जाम्पल फॉर सिंगली लिंक्ड लिस्ट। टेक्निकली ईच सच एलिमेंट इज रेफर्ड टू एज अ नोड, देयरफॉर अ लिस्ट कैन बी डिफाइंड एज अ कलेक्शन ऑफ नोड्स। दिस इज हेड, हेड लिखा हुआ है तो हमारी जब टर्मिनोलॉजी होगी तो इसको हम लोग हेड नहीं बोलते, हम इसको स्टार्ट नाम देंगे, ठीक है। ये मैं जनरल आपको जो हम लोग स्लाइड दिखा रहे हैं वो जनरल कॉन्सेप्ट आपको बता रहे हैं। एंड यू आर ऑल्सो एबल टू सी फॉर नोड ट्रिपल ए, ट्रिपल बी, ट्रिपल सी। तो जो आप ट्रिपल ए उसके बाद वाला पार्ट में देखिए एक एरो बना हुआ है और वो ट्रिपल बी को शो कर रहा है, फिर ट्रिपल बी के जो सेकंड पार्ट है इसमें आप देखिए एक एरो बना है वो ट्रिपल सी को शो कर रहा है और ट्रिपल सी के सेकंड पार्ट में क्रॉस बना हुआ है। क्रॉस का मतलब दिस शोज द एंड ऑफ लिस्ट। सभी लोग ने रेल जरूर देखी है, रेल पे जो है सबने जर्नी भी की हुई है। तो जो ये हेड है इसको आप कंसीडर करिए एज इंजन, जो रेलवे जो रेल होती है रेल का जो इंजन होता है वो हेड है, इसको स्टार्ट हम कहते हैं। और जो ये ए बी सी दीज आर कंपार्टमेंट्स, और जो आप ये एरो देख रहे हैं दीज आर कपलिंग जिसके थ्रू बी कनेक्ट है और उसके बाद वो सी कनेक्ट है। और हर ट्रेन में जो भी अच्छी ट्रेन होती है, अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दो तीन डब्बे किसी ने शंटिंग करके एक ट्रेन बना दी फॉर शॉर्ट टाइम या कोई इमरजेंसी की वजह से, वरना हर ट्रेन में देखिए लास्ट में एक लगेज का डब्बा बना होता है, कंपार्टमेंट होता है, और उसके पीछे येलो कलर से क्रॉस बना होता है। क्या मैं सही कह रहा हूं, सबने इस चीज को फील किया, देखा, ऑब्जर्व किया? हाँ, और देखा आपने, और हमेशा चाहे ट्रेन दिन में चल रही हो चाहे वो रात में चल रही हो, लास्ट में जो जहां क्रॉस बना होता है वहां पे दो तीन रेड कलर के बल्ब हमेशा चलते रहते हैं, ग्लो करते रहते हैं, और इसीलिए येलो कलर से उसमें रखा गया है कि चाहे रात में भी उसमें बल्ब इसलिए लगे रहते हैं कि जो है सामने जो क्या कहते हैं दूसरी ट्रेन का ड्राइवर है वो देख पाए कि ट्रेन यहाँ पे खत्म हो रही है तो ब्रेक लगा ले अगर एक ही ट्रैक पे आ गई, या जो भी शंटिंग मास्टर है उसको भी ये पता रहता है और ये क्लियरली पता होता है कि क्रॉस का मतलब ये ट्रेन हमारी पास हो गई है, ठीक है। ये हर जगह कन्वेंशन रहता है। सिंपल लिस्ट की जब हम बात करते हैं तो यहाँ क्रॉस का मतलब होता है कि लिस्ट हमारी यहाँ से खत्म हो गई है। क्रॉस के मतलब जब हम यहाँ इम्प्लीमेंट करेंगे तो हम यहाँ पे नल डाल देंगे। फिलहाल अभी हम इम्प्लीमेंटेशन की बात ही नहीं कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ कॉन्सेप्चुअल की बात कर रहे हैं। तो ये लिंक रिप्रेजेंटेशन है, और जैसा आप नेमिंग कन्वेंशन देख भी पा रहे हैं जो ट्रिपल ए है वहां पे देखिए लिखा है इंफॉर्मेशन फील्ड, इंफॉर्मेशन का मतलब वैल्यू पार्ट पड़ा हुआ है। ये ट्रिपल ए हो सकता है, किसी का रोल नंबर हो सकता है, किसी का नाम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इंफॉर्मेशन फील्ड, ठीक। और जो पॉइंटर फील्ड आप देख रहे हैं एक्चुअल में ये एड्रेस फील्ड है, इस फील्ड के थ्रू ही जो ये आप एरो देख रहे हैं
जहाँ पॉइंटर फील्ड दिख रहा है, और उसके बाद आप देखिए ए के जो सेकेंड वाला पार्ट है वहां से एरो होकर के बी में चला जाना है, वो पॉइंटर फील्ड ही बी को ए से जोड़ रहा है, यानी जो ए में ये एड्रेस जो पड़ा हुआ है वो बी का एड्रेस है, बी में सी का एड्रेस है, और सी में नल पड़ा हुआ है। नल इसलिए पड़ा हुआ है कि फर्दर कोई भी इसमें एलिमेंट नहीं है। बात समझ में आ रही है, लिंक्ड लिस्ट का कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से हो रहा है। और आप देख भी पा रहे होंगे कि जब आपने ए को ट्रैक किया और मुझे बी पे जाना है, तो ए के सेकंड पार्ट में पॉइंटर फील्ड जो पड़ी हुई है वो एक एड्रेस पार्ट है, उसको अगर आप ट्रैक कर लेंगे तो उसमें एड्रेस बी का पड़ा हुआ है, तो आप बी पे पहुंच गए। बी के जो नेक्स्ट पार्ट है, जो सेकेंड पार्ट है, उसमें पॉइंटर फील्ड पड़ी हुई है, उस एड्रेस को अगर आप पढ़ लेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो सी का एड्रेस है और आप सी पे पहुंच जाएंगे। लेकिन जो सी का नेक्स्ट पार्ट है वहां पे नल पड़ा हुआ है, क्रॉस का मतलब होता है नल, यानी वहां कोई एड्रेस नहीं पड़ा हुआ है, तो वहां से वो टर्मिनेट हो जाती है लिस्ट। ये समझ में आया सबको? इसमें किसी कोई क्वेरी है तो पूछ सकते हैं। हाँ इंफॉर्मेशन फील्ड वैल्यू फील्ड होती है, यहाँ पे मैंने लिख दिया प्रखर गुप्ता, ये इंफॉर्मेशन फील्ड है। दूसरे पे लिखा हुआ है स्वास्तिक सक्सेना, प्रखर गुप्ता स्वास्तिक सक्सेना, और तीसरे में लिखा हुआ है अतुल यगसैनी, जो सी लिखा हुआ है। ये तीनों इंफॉर्मेशन फील्ड है, यानी आपके नाम। अब ये एक क्लास में एक दूसरे से कनेक्ट कैसे हैं, हमने एक अगर इनका कनेक्शन बनाया है तो हम कैसे इन पे कनेक्ट हो सकते हैं, वो पॉइंटर फील्ड है जिसके थ्रू ए से बी में चले गए, बी से सी में चले गए, समझ रहे हैं, जिसको हम एड्रेस कहते हैं। अब हम कैसे जा सकते हैं, हमने एक रोल नंबर बना दिया हुआ है, या हमने जब हम ये पॉइंटर फील्ड कौन एलोकेट करता है, कोई बताएगा कि पॉइंटर फील्ड जो है इसकी वैल्यू कहां से आती है? डेफिनेटली, इतना इसमें सोचने की जरूरत ही नहीं है, कोई मैंने बहुत ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछ लिया है। ये कंपाइलर का अपना इंटरनल अरेंजमेंट होता है, और ये अरेंजमेंट आपको कंपाइलर ही प्रोवाइड करता है। कंपाइलर जरूरी नहीं कि जैसे हमने सीरियल ऑर्डर में रखा है वो अपने ऑर्डर में भी वैसे रखे, लेकिन वो जो एड्रेस होता है उसका सीक्वेंस इस तरह से होता है कि हमको वो एक के बाद एक ये दिखता है। आई विल शो एड्रेस एलोकेशन प्रोसीजर ऑफ कंपाइलर आल्सो। जब हम पूरा प्रोग्राम एक बार कर लेंगे, एल्गोरिथम कर लेंगे, जब इसके इम्प्लीमेंटेशन पार्ट में आएंगे, जो कि हम लगभग 5 से 6 लेक्चर के बाद कर पाएंगे उसको, तो हम आपको जो है, आपने फर्स्ट सेमेस्टर में भी आपकी क्वेरी रही होगी कि गार्बेज जो है या पॉइंटर आपने खूब पढ़ा होगा, स्टार लगा लगा के, वो एड्रेस होता क्या, मैं आपको वो एड्रेस भी बताऊंगा कि कंपाइलर वो एड्रेस कैसे देता है, वो एड्रेस भी मैं आपको दिखाऊंगा, रन टाइम पे दिखाऊंगा, ओरिजिनल एड्रेस जो कि कंपाइलर आपको अलॉट करता है आपके ही सिस्टम से, तो वेट फॉर सम टाइम, ठीक, वो पॉइंटर फील्ड आपका होता है। नाउ आर रिक्वायर्ड टू मार्क योर अटेंडेंस इनटू चैट बॉक्स। जल्दी अटेंडेंस लेके सब लोग, ओनली 53 स्टूडेंट्स। उत्कर्ष सिंह नहीं है आज, एक बार भी बोले नहीं हो। देखिए प्रेजेंट होने का मतलब है आंसर भी देना है। मयंक श्रीवास्तव, यश उपाध्याय, यश उपाध्याय, ये अब्सेंट है, मयंक श्रीवास्तव भी नहीं बोल रहे हैं। देखिए जो नहीं बोलेगा वो अब्सेंट, यहाँ यहाँ अटेंडेंस लगाने से कुछ होना नहीं है इसका।
और ये जो लक्ष्मी मौर्या, ईशान चौरसिया, ये सब आपने जो रोहन वर्मा, शांतनु, सूर्यांश, वैभव, ये सब जो आपने नेमिंग कन्वेंशन से ज्वाइन नहीं किया है, नेमिंग कन्वेंशन से प्रॉपरली ज्वाइन करिए और कल से ट्राई करना शुरू करिए कि जो SRM CM के आए। क्या? अरे जो हमने गूगल क्लासरूम को कैसे आपसे बोला था, जो हम लोग का नेमिंग कन्वेंशन होता है उससे ज्वाइन करिए। नेम मत चेंज करो लेकिन ज्वाइन तो करो। अरे उसी आईडी से ज्वाइन कर लो, पहचान लेंगे। और क्लास जब आप जो ज्वाइन करते हैं ये वाली, ये मैं SRM CM डोमेन से ही मैंने मीटिंग क्रिएट करी हुई है, जो आपकी ये गूगल मीट की आईडी है, तो इसको ज्वाइन करिए। क्यों नहीं होगा, आप कनेक्ट करके तो देखिए, जो आपको दी गई है इसी मेल आईडी से इसको कनेक्ट करिए, क्लास तो एटलीस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ लिंक्ड लिस्ट, सिंगली लिंक्ड लिस्ट, डबली लिंक्ड लिस्ट, सिंगल सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट, डबल सर्कुलर लिंक लिस्ट। तो डब्ली मैंने आपको बता ही दिया, रीजन ये है कि वहां पे दो आपके पास पॉइंटर फील्ड होंगे। सर्कुलर का मतलब क्या हुआ कि जब एंड पे जा करके, यदि आपने अभी एक लिस्ट देखी, अभी हम लोगों ने देखी, ये जो आप सी देख पा रहे हैं, CCC, और उसके बाद जो क्रॉस देख रहे हैं, अगर हम इसमें क्रॉस ना करके ए का एड्रेस डाल दें तो फिर क्या होगा, घुमा करके फिर से ये ए पे आ जाएगा, यानी सर्कुलर हो जाएगा। यानी जहां पे सी पे आपने क्रॉस किया है, क्रॉस ना करके, टर्मिनेट ना करके, हम इसमें फिर से ए का एड्रेस डाल दें, तो इस तरह के लिंक लिस्ट को हम लोग सर्कुलर लिंक लिस्ट कहते हैं। और ये दोनों वेरिएशन में आपको मिल पाएगा, दोनों पॉसिबिलिटी इसमें है, चाहे वो सर्कुलर जो है सिंगली लिंक लिस्ट की बन जाए या सर्कुलर लिंक लिस्ट बन जाए डबली लिंक लिस्ट की, दोनों में ये पॉसिबिलिटी आपकी रहेगी। ठीक है, स्टैक मैं थोड़ा सा बाकी आपको बता दे रहा हूँ, बाकी ये जैसे जैसे हम लोग पढ़ते चले जाएंगे डिटेल में वैसे वैसे आपको पता चल जाएगा। स्टैक, सभी लोग खाना खाने जाते हैं, प्लेट जो अरेंजमेंट होता है, खाना खाने का मतलब किसी पार्टी में जाते हैं, ऐसा तो कोई बच्चा नहीं जो आज तक कभी पार्टी में ना गया हो सकता है वो अज्यूम ना कर पाए हमारी इस बात को, जो पार्टी में ना गया हो। तो जो लोग भी पार्टी में जाते हैं, तो अगर आप एज्यूम कर लें कि जो जिस टेबल पे वो प्लेट्स रखी रहती हैं, वो टेबल एक फिक्स्ड एंड है, और हमने जो प्लेट्स पहले रखी थी वो सबसे आखिरी में ही उनको आप उठा पाएंगे, यानी जो नीचे वाली प्लेट सबसे पहले रखी गई थी, और जो ऊपर प्लेट, अगर 100 प्लेट रखी गई है, तो जो 100 नंबर की प्लेट है सबसे आखिरी में रखी गई थी, लेकिन जब हम ऑपरेट करने जा रहे हैं, ट्रेवर्स करने जा रहे हैं, तो सबसे आखिरी वाली प्लेट को हम पहले यूज कर पा रहे हैं। तो इस टाइप के अरेंजमेंट को हम लोग स्टैक कहते हैं। ठीक है, आप सपोज करिए बिस्किट का पैकेट लीजिए, ये सब जितने भी डेटा स्ट्रक्चर है ये सब एजम्पशन पे बेस्ड है, बहुत अच्छे समझिएगा। प्रैक्टिकली आप जब एज्यूम करेंगे देन ओनली इट विल हैपन एंड इट विल बी वर्कआउट। तो जब बिस्किट का पैकेट है, बिस्किट के पैकेट को आप एक एंड से खोलिए और ये एज्यूम कर लीजिए कि ये एंड फिक्स्ड है हमारा, दूसरा वाला एंड, एक एंड जो नीचे रखा हुआ है खड़ा कर लीजिए, एक एंड को फिक्स कर दीजिए और दूसरे एंड से खोलिए और बिस्किट निकालिए, और ये एज्यूम करिए कि जो लास्ट वाला, जो मैं निकाल रहा हूँ ये लास्ट वाला बिस्किट है, ये जो हम निकाल रहे हैं ये सबसे आखिरी में रखा गया था और मैं इसको पहले निकाल रहा हूँ। तो इस टाइप के अरेंजमेंट को हम स्टैक कहते हैं। अब ये मत कहिएगा कि हमने सर दोनों साइड से फाड़ दिया है, तो आप देखिए पहले बार तो मुझे पता ही नहीं चल रहा है, तो इस तरह का नहीं करना है। ये मान के चलना है कि जहां पे एक एंड फिक्स्ड है, तो हम जब स्टैक का रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो यहाँ पे एक एंड हमारा फिक्स रहेगा। ठीक है, और उस दूसरे एंड पे हमने जो है एलिमेंट को अरेंज किया, और अरेंज करने के बाद जब हम उसको ट्रेवर्स कर रहे हैं, यानी एलिमेंट्स को ट्रेवर्स करने का मतलब हो गया डिस्प्ले करने जा रहे हैं या यूज करने जा रहे हैं, तो जो लास्ट में हमने एलिमेंट रखा था वो पहले यूज कर पा रहे हैं। ठीक, ये हम आपको बाद में डिस्कस करेंगे जब इसका मेन पार्ट बताएंगे। क्यू क्यू लाइन सब लोग लगाते हैं,
सब लोगों को कहीं भी, चाहे वो रेलवे की लाइन हो, चाहे रिजर्वेशन की लाइन हो, चाहे किसी भी जॉब की लाइन हो, या कहीं हमने इंट्री देने के लिए बोला है, अभी हमने आपका वायवा भी कराया था, तो कोशिश की थी रोल नंबर वाइज करें, लेकिन आप लोग बहुत सारे लोग इधर उधर डिस्पर्स हो गए थे, तो एग्जामिनर को जल्दी थी, उनका लेट भी था, इसलिए कुछ लोग रैंडम भी आ गए थे। यानी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जो सीपी शेड्यूलिंग का मेन कॉन्सेप्ट होता है, जो पहले आया है उसकी जॉब पहले ही प्रोसेस होगी, इस टाइप के अरेंजमेंट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक, यहाँ पे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है, सीपी शेड्यूलिंग में फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, इस टाइप के अरेंजमेंट अगर डेटास के हैं तो उसको हम लोग क्यू कहते हैं। ठीक है, इसमें एक एंड हम लोग कहते हैं फ्रंट एंड, एक होता है रियर एंड। रियर एंड से हमेशा इंसर्शन होगा, एलिमेंट आएगा, और फ्रंट एंड से हमेशा एलिमेंट जॉब प्रोसेस होने के बाद बाहर चला जाएगा। यानी आप बुकिंग विंडो पे आप आए हैं तो पीछे साइड आपके लोग आ जा रहे हैं, आपके पीछे खड़े होते जा रहे हैं, दैट इज रियर एंड, और जॉब प्रोसेस होने के बाद विंडो के बाद बगल से आप निकल जा रहे हैं, दैट इज योर फ्रंट एंड। ट्री, ट्री फाइनाइट सेट ऑफ डेटा आइटम्स, आई थिंक टाइम इज ओवर। ठीक है, आपकी जो है आगे ट्यूट भी है मेरी, हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में भी आई विल कंटिन्यू, ओके, एंड आई विल शेयर दिस पीपीटी आल्सो अलोंग विद दिस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर। और जो भी क्वेरी अभी होंगी हमारी ट्यूटोरियल में, जो भी हम उस पर, सर 2-1 का है ट्यूटोरियल, किसका है 2-1 का ये? टू वन का है। आई विल डिस्कस द प्रॉब्लम जो भी इस स्लाइड में अब तक हम लोगों ने अभी फेस की होंगी, जो भी आपकी क्वेरीज होगी, प्लीज नोट इट डाउन, और नोट्स जरूर बनाते रहिए, तभी आपको समझ में आएगा। साथ ही साथ अभी ये इसका फंडामेंटल है, धीरे धीरे फंडामेंटल कल तक मैं लिंक लिस्ट पे पूरी तरह से आ जाऊंगा और एक एल्गोरिथम आपको बता दूंगा, इसके जो भी प्रोसीजर होंगे वो पहले मैं सभी का एल्गोरिथम बताऊंगा, फिर उनका सी फंक्शन बताऊंगा, और तब प्रोग्राम कराऊंगा। इसके तीन पार्ट हैं, डायरेक्ट प्रोग्राम नहीं होगा, और कोई भी डेटा स्ट्रक्चर बिना प्रोग्राम के कंप्लीट नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो पहले एल्गोरिथम, उसके बाद उसका सी फंक्शन, फिर प्रोग्राम। तब तक बने रहिए, बहुत लोग की जो क्वेरीज है कि कैसे इम्प्लीमेंट होगा, कैसे पॉइंटर फील्ड आएगा, एक दो दिन में उन सबको आंसर मिलेगा, बट सिस्टमेटिक वे में, नॉट जंप। ओके, बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू।